आज के वीडियो में हम देखेंगे कि SF6 सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। ये वीडियो फुल्ली 3D में होने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की कैसे SF6 सर्किट ब्रेकर काम करता है। ये सर्किट ब्रेकर का रेटिंग 115 kV से लेकर 230 kV के बीच में होता है। ऊपर आपको 6 बुशिंग दिख रहा है। बुशिंग के ऊपर 6 CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसका काम क्या है मैं आगे बताता हूँ। नीचे आपको गैस चेंबर दिख रहा है। इसके अंदर गैस रहता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस रहता है। एयर टाइट चेंबर है ये। इसके अंदर जो गैस रहता है, गैस का प्रेशर 14 kg/cm² इसका प्रेशर रहता है। ये सर्किट ब्रेकर इसीलिए यूज़ किया जाता है कि कम टाइम में आर्क को एक्सटिंग्यूश कर सके, इसीलिए ये सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। अब हम सर्किट ब्रेकर को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर दो है मेन चीज़, एक है मूविंग कॉन्टैक्ट, एक है फिक्स कॉन्टैक्ट। ठीक है, ऊपर जो येलो कलर का दिख रहा है ये आपका गैस है। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस है ये। फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट कॉपर टंगस्टन मटेरियल से बना हुआ होता है। नॉर्मल कंडीशन में इस सर्किट ब्रेकर से नॉर्मली करंट फ्लो होता है। ऊपर लगा CT इस करंट को डिटेक्ट करता है कि इस सर्किट ब्रेकर से नॉर्मली करंट फ्लो हो रहा है या फिर एबनॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही फॉल्टी करंट फ्लो होता है तो CT रिले को बता देता है कि इस सर्किट ब्रेकर से फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है। तो रिले क्या करता है, इस सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देता है। ठीक है, अभी फिलहाल मान लो इस सर्किट ब्रेकर में कोई भी गैस नहीं है। ठीक है, अब फिक्स कॉन्टैक्ट तो यहाँ पर फिक्स रहता है, लेकिन मूविंग कॉन्टैक्ट जैसे ही मूव होना चालू होता है, फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट ये दोनों के बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस आर्क का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर कम समय में इस आर्क को एक्सटिंक्यूज ना किया जाए तो ये आर्क क्या कर सकता है, दूसरे इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है। इसीलिए इस आर्क को कम टाइम में एक्सटिंग्यूश करना ज़रूरी है। इसीलिए हम यहाँ पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का यूज़ करते हैं। ये गैस नॉन फ्लेमेबल होता है। ये गैस इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ अलग हो जाता है तो उन दोनों के बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होता है, एक गैस क्या करता है, उस आर्क से फ्री इलेक्ट्रॉन को फुल्ली एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उसी टाइम आर्क को बुझा देता है, मतलब एक्सटिंग्यूश कर देता है। कम टाइम में आर्क को एक्सटिंग्यूश कर देता है एक गैस। इसीलिए हम SF6 सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं कि कम टाइम में हम आर्क को एक्सटिंग्यूश कर सके। तो यही है SF6 सर्किट ब्रेकर का वर्किंग प्रिंसिपल। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियो मैं बनाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।